अस्सलाम वालेकुम। देखो आज मैं आई हूँ अपना मेकअप कराने के लिए, यहाँ पर शूट कराने आई हूँ मैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना, आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। और मैं कैसी लग रही हूँ जरूर बताना, ठीक है। चलो फिर मिलती हूँ बाद में। सबसे फर्स्ट स्टेप मैं कर रही हूँ इनके हेयर में, जो कि है क्लिपिंग। अब यहाँ पर मैं क्रिम्पिंग के बाद उनके आई मेकअप से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने आईज़ पे उनको अच्छे से कंसील कर लिया है। अब मैं सबसे फर्स्ट शेड पिंक कलर उठा के उनकी क्रीज लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। सो क्रीज लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, कुछ भी हार्श लाइन नहीं रहनी चाहिए और बहुत स्मूथली अप्लाई होना चाहिए। अच्छे से सर्क्यूलर मोशन में अब मैंने ब्लेंड करना स्टार्ट किया। अब मैंने यहाँ पर पर्पल शेड लिया है, जो उनके ड्रेस का शेड है, वैसे शेड लेकर नीचे की लिड पे अप्लाई किया एंड दोनों पिंक एंड पर्पल शेड को अच्छे से मर्ज कर दिया है। अच्छे से बेंडिंग होनी चाहिए, वरना वो आपका अच्छा दिखकर नहीं आएगा। अब मैं ग्लिटरी वर्ल्ड का ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ पर्पल शेड में उनकी लिड के ऊपर। क्रीज लाइन में अप्लाई नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ लिड पर अप्लाई करना है, जहाँ पर हम लोग ने पर्पल शेड यूज़ किए एंड वो भी मैं सिर्फ सेंटर में कर रही हूँ, ज़्यादा इनर कॉर्नर या आउटर कॉर्नर में भी नहीं कर रही हूँ। उसके ऊपर मैंने ये वाले ग्लिटर्स चंक्स जो है, वो वाले चंक्स उसके ऊपर अप्लाई किया है एंड यहाँ पर मैं फॉरएवर 52 का वाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ। अब मैंने लिया है नायका का कलर करेक्टिंग पैलेट एंड इसमें से मैं पीच करेक्टर शेड अप्लाई कर रही हूँ। एंड माशाल्लाह इनको कोई भी ज़्यादा डार्क सर्कल या ज़्यादा कोई डार्क पिगमेंटेशंस नहीं थी, इसलिए मुझे ऑरेंज करेक्टर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो मैंने पीच करेक्टर यूज़ किया है एंड जहाँ पर मुझे थोड़ा हल्का हल्का लग रहा था वहाँ पर अप्लाई किया। अब मैं यहाँ पर उनका फेस कंसील कर रही हूँ, पूरा कंसील करने के बाद मैंने यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई किया है एंड फाउंडेशन को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देंगे। अब मैं यहाँ पर फेस हाइलाइटिंग कर रही हूँ कंसीलर से एंड उसके लिए मैंने यूज़ किया है टार्ट कॉस्मेटिक्स का कंसीलर। ओके, ये जो कंसीलर है ये एकदम हाई कवरेज, फुल कवरेज कंसीलर है एंड बहुत अच्छा कंसीलर है। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है सब कुछ। कंसीलर से फेस हाइलाइटिंग होता है तो फेस का जो हाइलाइटेड एरियाज है वो बहुत अच्छे से दिख के आता है। ओके, वो ब्लेंड करने के बाद मैंने बनाना पाउडर से अच्छे से सब कुछ सेट कर दिया है, ताकि उनको अगर स्वेटिंग वगैरह भी हो तो कुछ इश्यू ना हो। उसके बाद जब तक ये बेकिंग हो रही है पाउडर से, बनाना पाउडर से, मैंने आईब्रोज डन कर दिए एंड यहाँ पर मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। मैंने इनके लिए पाउडर कॉन्टोर ही यूज़ किया है एंड यहाँ पे मैंने लोअर लैश लाइन कर दी जो कि है पिंक कलर की। ओके, यहाँ पे मैं ब्लश एप्लीकेशन कर रही हूँ। इनके लिए मैंने दो शेड्स अप्लाई किए थे, एक पिंक और एक थोड़ा सा पर्पलिश टोन में। उन दोनों को मिक्स करके मैं इनके एप्पल ऑफ द चिक्स पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड सनादी माशाल्लाह बहुत अच्छी है बात करने में एंड इनका नेचर भी बहुत अच्छा है। इनके हस्बैंड इमरान भाई का भी नेचर बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है मैंने ब्लश कर लिया एंड उसके बाद अब मैं कर रही हूँ सेटिंग स्प्रे से। जितना भी कुछ है सब कुछ सेट हो जाए, स्प्रे कर दिया है मैंने, ताकि जो भी पाउडर प्रोडक्ट है वो अच्छे से मेल्ट होकर स्किन में घुल जाए। ओके, नाउ मैं नेक्स्ट स्टेप कर रही हूँ हाइलाइटिंग, फेस हाइलाइटिंग कर रही हूँ हाइलाइटर से, ताकि उनके फेस पे एक अच्छे से शाइन आ जाए। सो चिन एरिया, नोज पर, क्यूपिड्स बो, फोरहेड पे मैं अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ और नेक बोन पर भी कर रही हूँ। उसके बाद मैंने उनको लिपस्टिक एप्लीकेशन किया है एंड मैंने उनको पर्पल लिपस्टिक अप्लाई की है। उसके बाद मैंने लैश एप्लीकेशन किया है। सो अगर आपको लैश एप्लीकेशन करना नहीं आता, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में डाला है डेट हाउ टू अप्लाई लैशेस। ओके, तो मैंने उनका लिपस्टिक एप्लीकेशन कर दिया। अब मैं यहाँ पर उनका हेयर टर्न कर रही हूँ।
माशाल्लाह उनको कितने प्यारे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखो मेरा फाइनल लुक कैसा लग रहा है जरूर बताना मेरे हेटर्स लोग, और ये देखो कैसी लग रही जरूर कमेंट करना। और मेरे चाहने वाले जो मेरे अच्छे बहन भाई है मुझे अच्छे कमेंट करते हैं, उन लोग भी बताना मैं कैसी लग रही हूँ। एक बच्ची को मेरे साथ कोलैब करना था तो मैं वहां पर आई हूँ, ठीक है, इनकी आईडी मेंशन कर दूंगी मैं। इनको प्लीज फटाफट ऑर्डर देना और बुलाना, बहुत अच्छा जैसा चाहिए वैसा मेकअप आपको मिल जाएगा। देखो ये ना ड्रेस ये सब इन्होंने अरेंजमेंट किया था, क्योंकि आप लोगों को तो पता मुझे सिंपल रहना पसंद है, पर ऐसा भी कभी एक बार एक अंदर में ऐसे भी करना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं दुल्हन बनी हूँ और इमरान का भी दूल्हा बनाऊंगी अभी। तो ये रहा इनका फाइनल लुक। अगर आपको इनका लुक अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। मिलेगी मेरे फॉलो लिस्ट में देखना, और मैं इनके साथ में कोलैब भी करूंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।